आप शायद जानते हैं कि हमारे ग्रह पर पहले से ही 7 अरब से अधिक लोग हैं। यह संख्या पृथ्वी पर पाए जाने वाले अन्य स्तनधारी जीवों से भी कहीं ज्यादा है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसा मुमकिन है कि आने वाले समय में मनुष्यों के रहने के लिए पृथ्वी पर जगह ही न बचे। ऐसे में मानव जाति के पास केवल 2 ही विकल्प हैं, या तो मानव जाति को बढ़ने से रोका जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, या सौरमंडल के अन्य ग्रहों को कॉलोनाइज किया जाए। मौजूदा समय में मानव जाति का पूरा ध्यान सोलर सिस्टम को कॉलोनाइज करने में है। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे ग्रह और उपग्रह हैं जहां हम बस सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी दूसरे ग्रह पर रहता है तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? वातावरण के अनुसार ढलना प्रकृति का नियम है। यदि हम सब अपने घरों को छोड़कर जंगलों में रहने चले जाएं, तो हमें जंगलों में जीवित रहने के लिए माहौल अनुसार ढलना होगा, या प्रकृति हमें स्वयं अपने अनुकूल बना लेगी। हमारा खान पान, रहन सहन सब बदल जाएगा और लंबे समय में हमारे शरीर में भी कुछ बदलाव अवश्य होंगे। पृथ्वी पर ह्यूमन एवोल्यूशन के विषय में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर रहने लगें? तो ग्रहों की अविश्वसनीय दुनिया में उतरकर सब कुछ अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार हो जाइए। द प्लैनेट ओशंस, महासागरीय ग्रह। जमीन के बिना एक दुनिया, लहरों का साम्राज्य, एक ऐसा ग्रह जहां कोई सीमा नहीं है। बेशक कोई भी व्यक्ति एक ऐसी दुनिया का आदिवासी नहीं हो सकता, क्योंकि एक असीम समुद्र पृथ्वी जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। पृथ्वी और महासागरीय ग्रह में अंतर यह है कि एक समुद्री ग्रह की कोई सीमा नहीं है, न कोई समुद्री तट और न ही तल। किसी भी मामले में यह सतह के प्राणियों की पहुंच से परे है। यदि हम भाग्य से ब्रह्मांड के किसी महासागरीय ग्रह तक पहुंचने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो ये ग्रह हमारे लिए नरक से कम नहीं होगा, जहां हमारे लिए जीवित रहना नामुमकिन है। परंतु हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति महासागरीय ग्रह पर पहुंचकर किसी भी तरह जीवित रहने में कामयाब हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में लंबे समय में मानव शरीर में क्या बदलाव आएंगे। तो यदि हम किसी महासागरीय ग्रह, उदाहरण के तौर पर GJ1214b पर लंबे समय के लिए रहते हैं, तो समय के साथ हमारा शरीर विकसित होने लगेगा और हमारे अंगों की लंबाई बढ़ने लगेगी और हमारी आंखें पानी के नीचे देखने के लिए अनुकूल बन जाएंगी। इसके अलावा हमारे शरीर में ठंडे पानी में गर्म रहने के लिए अधिक वसा ऊतकों का निर्माण होगा। इस ग्रह पर हमारा विकास के रूप में भी हो सकता है। अगर पृथ्वी पर हमारा विकास बंदरों से इंसानों के रूप में हो सकता है, तो इस महासागरीय ग्रह पर मरमेड के रूप में क्यों नहीं। मंगल ग्रह। यदि भाग्य की इच्छा से हम मंगल ग्रह पर पहुंच जाते हैं, तो हमें लाल ग्रह पर अपने शरीर में लंबे समय में होने वाले परिवर्तनों के बारे में पता होना चाहिए। यदि हम मंगल ग्रह पर लंबे समय तक रहते हैं, तो हमारी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाएंगी और कम गुरुत्वाकर्षण बल हमें जितने हम पृथ्वी पर थे उससे भी अधिक लचीला बना देगा। यदि हम मंगल ग्रह पर रहने का फैसला करते हैं और हमारे बच्चे भी होते हैं, तो यह संभावना है कि हमारे बच्चे हमारे मुकाबले अधिक डेंस दिखाई देंगे। साथ ही हमारा शरीर सक्रिय रूप से मेलानिन का उत्पादन करेगा ताकि आक्रामक रेडिएशन से बचा जा सके। इसका मतलब है कि हमारी त्वचा गहरे भूरे या काले रंग की हो जाएगी। 1950 में प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक रे ब्रैडबरी ने द मार्शियन क्रॉनिकल्स नामक कई कहानियों को प्रकाशित किया था, जिसमें मंगल ग्रह पर मनुष्यों के दूर के भविष्य को दर्शाया गया था। उनके द्वारा बनाए गए कैरेक्टर को भूरी त्वचा और पीली आंखों से दर्शाया गया था। तो यदि हम मंगल ग्रह पर अधिक समय बिताते हैं, तो शायद हम पूरी तरह से एक नए मानव में बदल जाएंगे। सुपर अर्थ। हमारे ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार के ग्रह हैं जो हमारे सौरमंडल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस प्रकार के ग्रह सुपर अर्थ कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे ग्रह का आकार पृथ्वी से थोड़ा बड़ा होता है। कल्पना कीजिए कि हम एक सुपर अर्थ पर हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से ज्यादा है
तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आएंगे? लंबे समय तक इस ग्रह पर रहने से हमें महसूस होगा कि हमारी हड्डियां गुरुत्वाकर्षण की असामान्य शक्ति का विरोध करने के लिए मजबूत और बड़ी होती जा रही हैं। हम निष्क्रिय होते जाएंगे और कोई भी अनावश्यक कार्य नहीं करना चाहेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप अचानक सुपर अर्थ पर लंबे समय तक रहने का और खुशहाल जीवन जीने का फैसला करते हैं, तो आपके बच्चों और आगे आने वाली पीढ़ी का आकार धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। यदि किसी सुपर अर्थ पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 3 या 4 गुना हुआ, तो इस ग्रह पर हमारे आने वाले वंशजों की वृद्धि 1 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। अंततः यदि हम पृथ्वी को छोड़कर ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों को कॉलोनाइज करते हैं और कभी वापस पृथ्वी पर आते हैं, तो शायद हम पृथ्वीवासियों को किसी एलियन से कम नहीं दिखेंगे। चंद्रमा। चंद्रमा का कोई वातावरण नहीं है, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम सहित कुछ असामान्य गैसों की बहुत पतली परत है, जो पृथ्वी, मंगल या शुक्र ग्रह के वायुमंडल में नहीं पाई जाती। चंद्रमा की सतह पर पानी का भी कोई स्रोत नहीं है, इसकी सतह एक स्थायी वैक्यूम में है। चंद्रमा पर मानव जाति अपने कदम रख चुकी है। अंतरिक्ष यात्रियों की एक जोड़ी अपोलो मिशन के दौरान एक छोटे से चंद्र मॉड्यूल में 3 दिनों तक जीवित रहकर सही सलामत पृथ्वी पर लौट चुकी है। लेकिन क्या चंद्रमा पर लंबे समय तक रहा जा सकता है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, इतना कम है कि हम चंद्रमा पर मुश्किल से ही चल सकते हैं। इसके बावजूद भी नासा चंद्रमा पर मून बेस बनाने की योजना बना चुकी है, जिसकी शुरुआत सन 2020 में होगी और 2037 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की संभावना है। यह मून बेस महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चंद्रमा का कोई वातावरण नहीं है, इसलिए चंद्रमा से अंतरिक्ष यान लॉन्च करने और लैंड करने में आसानी होगी। चंद्रमा पर मून बेस के निर्माण से पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलने में होने वाले जोखिम से छुटकारा मिल जाएगा और अंतरिक्ष यान के लॉन्च होने में होने वाला खर्च भी काफी कम हो जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा पर मून बेस बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री चंद्रमा की सतह पर ही मौजूद है, जिससे हमें मून बेस बनाने में आसानी होगी। लेकिन क्या होगा अगर हम चंद्रमा पर लंबे समय तक रहते हैं? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, जिसका अर्थ है कि लंबे समय तक चांद पर रहने से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और हमारे शरीर की लंबाई भी बढ़ जाएगी और पृथ्वी पर मौजूद व्यक्तियों की तुलना में हमारा शरीर अधिक लचीला हो जाएगा। और क्योंकि चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, इसलिए हमें स्वयं को रेडिएशन से बचाने के लिए स्पेस सूट या मून बेस में ही रहना होगा। टाइटन, प्लूटो और हमारे सूर्य से दूर अन्य ग्रह। कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसे ग्रह पर रह रहे हैं जो सूर्य से बहुत दूर है, जैसे कि शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर। इस ग्रह पर हम जमे हुए पानी से ईंधन और ऑक्सीजन के असीमित भंडार को निकालने में सक्षम होंगे। इस ग्रह का नाइट्रोजन वातावरण, जो पृथ्वी की तुलना में सघन है, हमें ब्रह्मांड की विकिरणों से बचाने में सक्षम होगा। इस ग्रह पर हमें स्पेस सूट पहनकर चलना होगा ताकि हमारा शरीर गर्म रहे, क्योंकि टाइटन बहुत ठंडा है। अगर हम टाइटन पर लंबे समय तक रहते हैं तो हम बहुत कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि इस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में सिर्फ 14% ही है, और यदि हम पृथ्वी पर वापस आते हैं तो हमारा शरीर पृथ्वी पर रहने लायक नहीं बचेगा। कुछ ऐसा ही प्लूटो पर भी होगा। यदि हम प्लूटो पर किसी भी तरह से कॉलोनी स्थापित कर लेते हैं तो लंबे समय तक रहने से हमारी मांसपेशियां खराब हो जाएंगी और हमारी लंबाई भी बढ़ जाएगी। फलस्वरूप यदि हम पृथ्वी पर वापस आते हैं तो हमारे लिए पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के माहौल में यदि हम जीवन जीने में सक्षम हो जाते हैं तो लंबे समय के विकास क्रम में हमारे बच्चों की त्वचा उज्जवल और पूरे शरीर पर सुनहरे रंग के बाल होंगे, ताकि विटामिन डी अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। हमारे नाक और चेहरे का आकार काफी बड़ा होगा। शायद इस तरह के माहौल में रहने के लिए हम एक एलियन में विकसित हो जाएंगे। वीनस। कल्पना कीजिए कि हम बिना किसी पनडुब्बी और सूट के 900 मीटर पानी के भीतर गहराई में हैं। कुछ ऐसा ही हमें शुक्र ग्रह पर महसूस होगा। शुक्र ग्रह पर
एक सेकंड भी जीवित रहना नामुमकिन है। इस ग्रह पर कोई ऑक्सीजन नहीं है और इसका वायुमंडल अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। इस ग्रह की सतह पर दिन में कई बार सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश भी होती है, वही एसिड जो पृथ्वी पर कार बैटरीज में पाया जाता है। लेकिन फिर भी आंखें बंद करके मान लीजिए किसी भी तरह से मानव जाति इन समस्याओं को हल कर देती है और यह नर्क स्वर्ग में बदल जाता है, तो इस ग्रह पर रहने वाला व्यक्ति भी मंगल ग्रह पर रहने वाले व्यक्ति की तरह ही दिखाई देगा और पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में कुछ हद तक लंबा होगा। ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह और चंद्रमा पर लंबे समय तक रहने से हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में हम सटीक अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि जब हम इन ग्रहों पर होंगे तो हमारे सामने क्या चुनौतियां आएंगी। एक दिलचस्प और ऐतिहासिक तथ्य, जब 1969 से 1972 के दौरान मून लैंडिंग हुई थी तभी सौर विकिरणों की बहुत सारी घटनाएं भी हुई थी। इन सौर विकिरणों की केवल एक घटना भी अंतरिक्ष यात्रियों को समाप्त करने के लिए काफी थी। सौभाग्य से ये अंतरिक्ष घटनाएं तब हुई जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर सुरक्षित थे